या फिर उसकी जो लचक होती है वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसे ही आपने यहाँ से भी इसको करना है। अब मैं इसको इधर से पकड़ता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, और यहाँ से इसको स्टार्ट से भी, लेकिन यहाँ से ये टेढ़ा हो गया बेसिकली। तो कंट्रोल जेड, इसको मैं भी यहाँ पे ऊपर ये जो गुट का आइकन है इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें कुछ ऐसे हो गया, लेकिन ये टेढ़ा है। तो मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, अगेन आते हैं इस पर एडिट फाइल, यहाँ से पुपेट वर्प, और सबको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अपने लिमिट पे अपने काम करना है, ये नहीं हो कि जैसे भी मैंने यहाँ पे ज़्यादा कर दिया और पीछे से मैंने देखा नहीं है तो वो मसला बन गया। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, आई थिंक अभी ठीक है, बिल्कुल अभी ठीक है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा इस एस को मैं आगे करता हूँ, और यहाँ पे जो है मुझे एक टेक्स्ट, मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट मेरा ऐसा लिखा हुआ आ जाए, डी द बेस्ट, उसके बाद स्पाइस। तो इस पे मुझे लिखने के लिए एक एक लफ्ज़ अगर मैं लिखूँ मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा, और ऐसे पॉसिबल भी नहीं है। यहाँ से हमें जो पिन टूल है वो यूज़ करना होता है, पी प्रेस करें और यहाँ से शेप को शेप रहने दें, इस पर एक दफ़े ऐसे क्लिक। अच्छा, पिन टूल को हम आगे भी काफ़ी अपने उसमें यूज़ करेंगे। तो पिन टूल जब आप यूज़ सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से ऊपर से आपने शेप को सिलेक्ट करना होता है ताकि इसकी लाइनें बने, ना कि हमें पाथ नहीं चाहिए। अगर आप पाथ को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से सॉरी पाथ को आपने सेलेक्ट करना होगा, अगर आप शेप को करते हैं तो ये देखें शेप आपके पास ऐसी बनेगी। हमें शेप नहीं चाहिए, हमें पाथ चाहिए। देखें अगर पाथ मैं यहाँ तक करता हूँ, जैसे कि मैं जल्दी से आपको यहाँ पे करके दे देता हूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। यहाँ तक मैं इसको पाथ में शेप करता हूँ, पाथ कर देता हूँ पिन टूल, ठीक। अभी इस पे ऊपर अगर मैं टेक्स्ट लूँ टेक्स्ट टूल, तो मैं इसके जो है इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ, बल्कि नहीं लिखा जा रहा। तो आई थिंक हमें जो है ये दूसरा वाला ऑप्शन यूज़ करना चाहिए, ये देखें भी लिखा जा रहा है। अच्छा ठीक, तो हमें यहाँ से पिन को सेलेक्ट करना है पी प्रेस करके, और यहाँ से शेप ही कर देना है ताकि जब हम ऐसे बनाएं तो इससे शेप बननी चाहिए ये वाली, ठीक। तो मैं इसको भी डिलीट करता हूँ फ़िलहाल, और यहाँ से एक दफ़ा क्लिक और इधर एक दफ़ा क्लिक। अब इसके सेंटर पे क्लिक करें, यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल का बटन प्रेस रखें, और यहाँ से ये इधर इसके जो इधर से फिल कलर है इसको आप नन कर दें, यहाँ पे क्लिक कंट्रोल का बटन प्रेस, यहाँ से क्लिक कंट्रोल का बटन प्रेस, और अब इसके लास्ट पे आए, यहाँ पे ऐसे क्लिक सेंटर में क्लिक कंट्रोल का बटन प्रेस, इसको पकड़ कर थोड़ा सा अंदर किया, कंट्रोल का बटन प्रेस करके आपने जैसे देखेंगे कि कंट्रोल का बटन मैंने पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा, पॉइंट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ कंट्रोल का बटन काम नहीं करता। तो एक दफ़ा क्लिक करना होता है सेंटर में पिन के साथ, जब प्लस का निशान आ जाए इसका मतलब आप यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। तो मैं पॉइंट ऐड करूँगा, जैसे ऐड हो जाएगा, अभी आप कंट्रोल का बटन प्रेस रखते हैं, इसको ऐसे करते हैं तो ये राउंडेड शेप आ जाती है। यहाँ पे भी मैं थोड़ी सी ये कर देता हूँ, और इसके लास्ट पे क्लिक और यहाँ तक, ठीक है। अभी टी प्रेस करें टेक्स्ट टूल लें, और देखें टेक्स्ट टूल अगर आप यहाँ पे लिखते हैं माउस आपका कर्सर ऐसे, लेकिन जब इसके ऊपर आप माउस जैसे लाते हैं तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको कम करके मे बी 40 भी नहीं, बल्कि इसको मैं कर देता हूँ 20, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ THE द, तो मैं इसको यहाँ से स्पेस ख़त्म कर देता हूँ,
अभी यहाँ पे स्पेस का बटन काम नहीं कर रहा, तो इस सूरत में आपको जो है इसको अगेन फिर एडिट करना होगा और दोबारा इसको नीचे से थोड़ा सा स्टार्ट करना होगा। बट आई थिंक मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, समझता हूँ मैं कि ठीक ही है इसे। ठीक है, अगर बेस्ट के दरमियान स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, चलिए फंड्स इसकी इतनी काफ़ी हैं लेकिन स्पेस कम कर देते हैं। और इसका स्पेस भी थोड़ा सा कम ताकि ये आपस में जुड़ जाए। अब देखें तकरीबन पहले से ठीक है, तो मैं बाकी को डिलीट करता हूँ लेयर्स को, ये जो मैंने अभी बनाई थी, मुझे भी ये स्टाइल पसंद है तो मैं इसको छोड़ता हूँ। अच्छा, अभी हमने जो है क्योंकि ये स्पाइस की बात हो रही है, स्पाइस अभी तक मैंने ऐड ही नहीं किया, PIC अगर इसको यहाँ पे देखते हैं तो ये ठीक नज़र नहीं आ रहा कि वो यही फॉन्ट्स यूज़ करते हैं जो हमने एस के लिए यूज़ किए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पेस और इसको बोल्ड कर देते हैं आई थिंक, और बाकी इन सबको मैं सिलेक्ट करके साइड पे थोड़ा सा करता हूँ। Ctrl+T, Alt+Shift बटन को प्रेस रखते हुए एक कोने से मैं इसको स्केल करता हूँ ताकि चारों साइड से स्केल हो। उसके अलावा मैं ये जो स्पाइस है इसको इसके साथ जोड़ देता हूँ ताकि ये जुमला कंप्लीट हो जाए। और यहाँ से ये जो बेस्ट है, बेस्ट में मुझे स्पेस यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो मैं इसको Ctrl+T अगर करता हूँ ये नहीं होगा। ठीक, तो इस सूरत में आपने अच्छा नीचे जो एक्स्ट्रा शेप है इसको बेशक आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर लें, जो हमने पेन टूल की मदद से बनाई थी ये भी डिलीट कर दें। तो अभी अगर इसको आप Ctrl+T करके करते हैं ये प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, इसको इसके लिए आपको इस लेयर को रेस्टराइज करना होगा या फिर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट को भी हम यूज़ करते हैं लेकिन सब फीचर्स पे हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक नेट से इमेज लिए उसकी पिक्सल ख़राब है, आप उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर लिए, या फिर आप चाहते हैं कि जो भी आपको पोजीशन जिस टेक्स्ट की नज़र आ रही है आप चाहते हैं इसकी क्वालिटी ज़्यादा ख़राब ना हो, तो आप उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करके उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। मतलब स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आपके पिक्सल ख़राब मतलब बेहतर नहीं होते लेकिन ख़राब भी नहीं होते, अपनी जगह पर टिक जाते हैं। तो रेस्टराइज लेयर के बजाय अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं ये ज़्यादा बेहतर है, लेकिन काफ़ी ऐसे फीचर्स हैं जो कि हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे यूज़ नहीं कर सकते। बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको करता हूँ Ctrl+T, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया इसको आप ये जो है दी बेस्ट नीचे वाली लेयर को मैं अब डिलीट कर देता हूँ क्योंकि वो स्टाइल हमने ख़त्म कर दिया। तो ये जो डी है और बाकी टेक्स्ट इसको Ctrl+J Ctrl+G बिल्कुल एंड पे लेकर चले जाएं और यहाँ पे इसको रेड कलर कर दें ताकि आपको एटलीस्ट अगर बायर मॉडिफिकेशन मांगे तो आप यहाँ से एडिट करके उसके फॉन्ट्स चेंज करके दोबारा उसको एडिट कर सकें। ये जो भी टेक्स्ट हमने एडिट किया जिसको हमने रेस्टराइज और ये स्पेस की लेयर्स चेंज कर दी, इनको हम नहीं कर सकते लेकिन फॉन्ट्स के नेम आपको याद होंगे। तो जैसे यहाँ से है द बेस्ट, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, आप Ctrl+T करके यहाँ से कंट्रोल का बटन कीबोर्ड से प्रेस रखें और इसके इस कोने से इसको थोड़ा सा पकड़ें तो ये जो इसके स्पेस से नीचे की साइड से ज़्यादा शुरू होगा। अगर इसको Ctrl+Z करता हूँ तो भी देखें बिल्कुल ठीक है, पहले यहाँ पे स्पेस बहुत सा कम था और ये साथ में टचिंग हो रही थी। तो अभी हमें यहाँ पे images.google में जाना है, images.google में आ गए। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ spice मीन मिसाला spice.png, यहाँ से आपने क्लाइंट आपको पहले बता ही देते लेकिन मैं यहाँ से कोई उठा लेता हूँ। मैं यहाँ से एक इमेज उठाता हूँ, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है लेकिन चलें इसको हम छोटा ही छोड़ देंगे, इसका साइज इतना बड़ा नहीं करेंगे। उसके .png मैंने इसलिए देखा ताकि इसका बैकग्राउंड ना हो, या अगर बैकग्राउंड हो वाइट कलर में हो ताकि हम उसको ईजीली
रिमूव कर सकें। और उसके अलावा अगर आप पीएनजी के बग़ैर लिखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वो मिल जाते हैं, स्पाइस मिसालें मिल जाती हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी नहीं बल्कि सेव एज़, और सेव के लिए लोकेशन चूज़ करें। मैं इसको माय डॉक्यूमेंट्स में सेव कर देता हूँ। यहाँ से सेव, फोटोशॉप में आए, ओपन फाइल ओपन, और यहाँ से अपनी इमेज को ओपन कर दें। इसको यहाँ से देखें, हमें इसका बिल्कुल बैकग्राउंड है ही नहीं। आपको यहाँ से पकड़ कर इसको यहाँ पे छोड़ देना है ऐसे, और कंट्रोल टी साइज इसका ज़्यादा बड़ा कर दें आल्ट शिफ्ट को प्रेस करते हुए। इसको यहाँ पे रखें, आप इसको इधर ऊपर भी रख सकते हैं, मैं इसको ऊपर रख देता हूँ, लेकिन मोस्टली जो ऊपर टॉप पे होता है वो प्रोडक्ट का नेम होता है। मैं इसको इस पकड़ के सबसे एंड में छोड़ता हूँ, इसके पीछे हो जाएगा। और यहाँ से मैं एक दूसरा स्पाइस उठाता हूँ, मैं भी इस दफ़ा मैं साथ में पीएनजी को रिमूव करता हूँ ताकि कुछ और क्वालिटी के स्पाइस मुझे मिल जाए। मैं यहाँ से ये वाला उठा लेता हूँ, वीव इमेज, इमेज को सेव कर दें। यहाँ से भी कॉपी अगर आप करते हैं तो उसका बैकग्राउंड फिर अजीब सा आ जाता है, तो इसलिए कॉपी में नहीं करता। अच्छा, अभी इसको कंट्रोल का बटन प्रेस रखें तो ये देखें, आप इसको ऐसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़्लिप कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक ऐसे ही ठीक है। बट इसको थोड़ा सा हम इस साइड पे कर देते हैं, और यहाँ से जो है मैं इस वाले का साइज़ ओपेसिटी थोड़ी सी कम करता हूँ, मे बी समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद जो है यहाँ से मैं एक और, अच्छा मैं और नहीं लेता, मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, टोमाटो 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 डॉट पीएनजी, ताकि इसके साथ बैकग्राउंड ना हो। यहाँ से मैं एक टोमाटो लेता हूँ, उसके अलावा मैं यहाँ से एक एक लेमन लेता हूँ, और उसके अलावा मैं यहाँ पे राइस डॉट पीएनजी चावल ले लेता हूँ, रेडी राइस डॉट पीएनजी मैंने लिखा। तो यहाँ से मैं बल्कि राइस नहीं लिखता, क्योंकि लाजमी नहीं है कि ये जो स्पाइस है ये उसमें होगा, यूज़ होगा राइस पे होगा, फूड में हो सकता है, तो फूड डॉट पीएनजी मुझे लिखना चाहिए ना कि राइस। मैं अब तीनों इमेज को कॉपी करता हूँ, वीडियो को पोस्ट करके ताकि ट्यूटोरियल हमारा लंबा ना हो। अच्छा, तीनों इमेज को मैंने ओपन कर लिया फोटोशॉप में, तो अभी अपनी फाइल की तरफ इनको लेकर जाते हैं। मैं फ़िलहाल ये जो टेबल स्पून्स में है स्पाइसेस को मैं रिमूव करता हूँ, और यहाँ से लेमन कंट्रोल टी। अब देखिए ये इमेज बहुत बड़ी है, तो कंट्रोल टी करने के बाद कंट्रोल ज़ीरो करें तो ये स्क्रीन पे इसकी जो जूमिंग है वो फिट हो जाएगी। मतलब जूमिंग करने के लिए आप इसको फिट कर सकते हैं। अभी यहाँ से मैं फूड भी उठा लेता हूँ, और ये यहाँ पे आ गया फूड, यहाँ पे साथ में ये टमाटो, टमाटो नहीं बल्कि लेमन, इसके साथ ही मैं टमाटो ऐड करता हूँ यहाँ पे, और अगर अभी फिट ऑन स्क्रीन करते हैं मे बी ठीक है ऑलमोस्ट।
ये जो ऊपर वाला है इसको मैं कॉपी करता हूँ आल्ट का बटन प्रेस करके, और नीचे यहाँ पे भी इसको ऐड कर देते हैं कंट्रोल टी। और एक दफ़े दोबारा आल्ट का बटन प्रेस करें कंट्रोल टी। अब इस पर राइट क्लिक करें और इसको फ्लिप हॉरिजेंटल करके, ताकि इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज हो जाए। इसका साइज़ मैं यहाँ से ज़्यादा कर दूँ 100%, और दूसरे वाले का मैं बल्कि दूसरे में डिलीट ही कर देते हैं। और यहाँ से मैं ई प्रेस करता हूँ इरेज, राइट क्लिक, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर डबल क्लिक, और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा, यहाँ से इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और ऊपर वाले को मैं नीचे लाता हूँ। अभी इसका बेसिकली कलर चेंज करते हैं, मैं इसकी ओपेसिटी 100 कर देता हूँ, कंट्रोल बी करें कीबोर्ड से। और इसका कलर, क्योंकि स्पाइसी का कलर आपको पता ही है चेंज ही होता है, लाजमी नहीं है कि आप एक कलर पे यहाँ पे फोकस रखते हैं। इनके साथ प्ले करने की कोशिश करें, इनसे कलर्स अच्छे बन जाते हैं। या फिर आई थिंक ये ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो मैं यहाँ से कोई दूसरी स्पाइसी उठाता हूँ, स्पाइसी मसाला उठाता हूँ। अच्छा, तो इमेज मैंने ओपन कर दी है, मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके दे छोड़ता हूँ। अब इस इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, कंट्रोल टी करके, अगर कंट्रोल टी करते हैं तो आप देख सकते हैं कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म जो है इमेज को छोटा करना, वो सिस्टम इसका हो गया है, एक्टिव है। लेकिन इसको हम देख नहीं सकते, और इसके जो कॉर्नर हैं उन तक हम अभी इसको टच नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करना होगा ताकि ये इमेज आपकी छोटी हो जाए। अब यहाँ से मैं इसको जेड एक दफ़ा कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ, ऊपर यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं।